हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का। ये फोन सबसे पहले इंडिया में है सेलबड़ी के पास, और उन्होंने मुझे स्पेशली अरेंज करवा के दिया है। और इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, बात करूँगा इसके डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा कि इस फोन में इतना पैसा डालना वर्थ है नहीं। और अगर आपको ये फोन खरीदना है तो सेलबड़ी के पास ही अवेलेबल है, उनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा इंडिया में दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 12GB 256GB फॉर 110,000 और 12GB 512GB फॉर 119,000। बट मैंने ये खरीदा है सेलबड़ी से सिर्फ 85,000 रुपीज़ में। इस फोन का स्पीड टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पर, आप टॉप रेट करो में कार्ड को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का बॉक्स। बॉक्स पर फ्रंट में नीचे है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की ब्रांडिंग, और ऊपर है सेलबड़ी का स्टिकर, क्योंकि ये मैंने इनसे परचेज किया है और उनके पास कुछ लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले है हमारा गैलेक्सी S22 अल्ट्रा बर्गंडी कलर में, इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ये ब्लैक पैकेट, इसके अंदर है कुछ डॉक्यूमेंट्स, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल और सिम इजेक्टर टूल। साइडली बॉक्स में चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलता। तो ये है हमारा गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 12GB 256GB वेरियंट। पहली झलक में ये काफ़ी हद तक गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा जैसा दिखता है, सिर्फ कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन में डिफरेंस है, बाकी डिस्प्ले, साइड फ्रेम, फ्रंट डिस्प्ले सभी नोट 20 अल्ट्रा जैसा ही है। फोन को बूट करके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फोन फाइनली बूट हो चुका है, काफ़ी समय लग गया फोन को सेटअप करके ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने में। सबसे पहले देखेंगे तो फोन रन कर रहा है एंड्रॉयड 12 पर विद लेटेस्ट वन यूआई 4.1, और सैमसंग ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि इस फोन पे 4 साल तक मेजर अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। मतलब इसमें आपको एंड्रॉयड 16 तक अपडेट्स मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और क्योंकि ये लेटेस्ट वन यूआई फोन पर रन कर रहा है, इसलिए इसमें आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे यूआई के कलर चेंज करना वगैरह। अगर आपको वन यूआई के डिटेल फीचर्स देखने हैं तो आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड को क्लिक करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वन यूआई की वजह से इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, कोई फालतू के ब्लोटर ऐप्स नहीं मिलते और एड्स भी नहीं आती चाइनीज़ फोन्स की तरह। और सैमसंग के फोन्स की नॉक सिक्योरिटी भी चाइनीज़ फोन से काफ़ी अच्छी होती है। यूजबिलिटी की बात करेंगे तो ऐप्स भी काफ़ी फास्ट खुल जाते हैं, ऐप को टच करने और ओपन होने के बीच डिले नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि इसमें LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, और सैमसंग के साथ मेरे पुराने एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि इस पर नॉर्मल यूजेज में ये एक दिन चल जाएगा। ये फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, अलॉन्ग विद 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। फोन को चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, जो कि डिसेंट है। डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में तो सैमसंग के फोन हमेशा से ही अच्छे होते हैं, और इसमें भी वही केस है। फ्रंट में आपको 6.8 इंच का डायनेमिक एमुलेट 2X कर्व डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90.2%, क्योंकि बेजल्स काफ़ी कम है। सेफ्टी के लिए फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले का कर्व इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी देखने में अच्छा लगता है। साइड में है कर्व्ड आर्मर्ड एल्युमिनियम फ्रेम विद शाइनी फिनिश। बैक ग्लास पर मैट फिनिश मिलता है, और फोन काफ़ी प्रीमियम दिखता है, स्पेशली इस बर्गंडी कलर में। बाकी व्हाइट और ब्लैक कलर्स भी अवेलेबल है। इस बार कैमरा मॉड्यूल के लिए S20 अल्ट्रा जैसा बड़ा सा कैमरा आइलैंड नहीं दिया है, सभी लेंसेज के लिए सेपरेट कटआउट्स दिए हैं। और इसमें कैमरा बम्प भी S20 अल्ट्रा से काफ़ी कम है, बट इस पर भी स्क्रैचेज आने के चांसेस हैं। बट मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन इतना पसंद नहीं आया कम्पेयर टू S21 अल्ट्रा। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा IP68 सर्टिफाइड वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। फोन में नीचे दिया है सिम कार्ड स्लॉट, माइक, टाइप सी यूएसबी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और एस पेन के लिए स्लॉट। यस, इस बार एस सीरीज़ के फोन में भी एस पेन दिया गया है, नोट सीरीज जैसा, जो काफ़ी अच्छा एड ऑन है। इस फोन में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट मिलता है, बट SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अपर साइड में है सेकेंडरी माइक, राइट साइड में है लॉक और वॉल्यूम बटन्स। बैक में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश और लेजर ऑटोफोकस सेंसर। फ्रंट में है पंचोल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस, जो स्पीकर का भी काम करता है, क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। फोन काफ़ी बड़ा है, इसीलिए एक हाथ से यूज़ करना इम्पॉसिबल है। बाकी फोन थोड़ा हैवी है एट 229 ग्राम्स, और थोड़ा मोटा भी है एट 8.9 mm, बट यूज़ करने में ये इतना बल्कि नहीं लगता। बट फॉर अ क्विक कंपैरिजन, अगर मैं इसे आईफोन से कंपेयर करूँ तो ये पकड़ने में आईफोन से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट आईफोन पकड़ने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम है और सैमसंग में एल्यूमिनियम का। बाकी S22 अल्ट्रा भी काफ़ी अच्छा फोन है डिज़ाइन वाइज। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जिसकी वजह से एनिमेशन वगैरह काफ़ी स्मूथ लगते हैं, और इसका डिस्प्ले बैटरी सेव करने के लिए एज लो एज 1Hz तक जा सकता है स्टिल इमेजेस या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखते वक्त। S22 अल्ट्रा इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज़ में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ अवेलेबल है, और यूरोप में एक्जीनोस 2200 के साथ, और दोनों ही काफ़ी पावरफुल चिपसेट्स हैं। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें आप हाईएंड गेम्स बड़े आराम से खेल सकते हैं मैक्सिमम सेटिंग्स पर, आपको कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देता है। बट फोन काफ़ी हीट होता है गेमिंग के वक्त, तो ये मुझे इसमें इश्यू लगा, स्पेशली इसके फ्रेम काफ़ी गर्म होते हैं, तो शायद इसके कूलिंग सिस्टम पर सैमसंग ने कुछ खास काम नहीं किया है।
कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। पहला है 108 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस, लेजर ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। दूसरा है 10 मेगापिक्सल f4.9 एपर्चर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा विद 10x ऑप्टिकल जूम, ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। थर्ड है 10 मेगापिक्सल f2.4 एपर्चर टेलीफोटो कैमरा विद 3x ऑप्टिकल जूम, ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। और लास्ट है 12 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विद ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस। स्टॉक कैमरा ऐप में आपको काफी सारे फीचर मिलते हैं जैसे कि सिंगल टेक फॉर बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, पोर्ट्रेट विद लाइटिंग इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, डायरेक्टर्स मोड, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड और पैनोरमा। बैक कैमरा में 100x तक का स्पेस जूम भी मिलता है। आप 8K 24fps और 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं विद HDR 10 प्लस सपोर्ट। 960fps सुपर स्लो मोशन का भी फीचर मिलता है। फ्रंट में 40 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर सेल्फी कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस विच कैन शूट 4K वीडियोस एट 60fps एंड 120fps स्लो मोशन वीडियो। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम पिक्चर्स काफी जबरदस्त आते हैं, फोटोज काफी शार्प है और कलर्स भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 100x तक का स्पेस जूम मिलता है, बट 100x तक का जूम का आउटपुट बस ठीक ठाक है। पोर्ट्रेट फोटोज काफी अच्छे आते हैं। सैमसंग ने इसमें AI स्टीरियो डेप्थ मैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से एच डिटेक्शन काफी अच्छा है, स्किन टोन्स भी काफी अच्छे आते हैं इसमें। HDR शॉट्स भी इंप्रेसिव है, डायरेक्ट सनलाइट में भी सारी डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर करता है ये बिना सीनेरिया को ओवर एक्सपोज किए। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस का आउटपुट भी काफी इंप्रेसिव है, इसका AI मोड फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है फॉर बेटर लुक। लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी दमदार है, डार्क एरियाज में भी डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर करता है और लाइट्स को ज्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं करता। सेल्फीज अच्छी आती है इसमें, फोटो शार्प है और स्किन टोन्स भी काफी अच्छे आते हैं। यह है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का वीडियो सैंपल 1080p एट 60fps पर। वीडियो में कलर्स काफी अच्छे हैं, वाइब्रेंट है, HDR भी काफी अच्छा काम करता है और OIS की वजह से वीडियो काफी स्टेबल भी है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.8 इंच का डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है विद 1440x3080 रेजोल्यूशन एंड 500 PPI डेंसिटी। क्योंकि एक AMOLED डिस्प्ले है इसलिए कलर्स काफी वाइब्रेंट है, इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट और शार्प है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी बढ़िया मिलता है और व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छे है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। स्पीकर टेस्ट करते हैं, इसमें ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। साउंड काफी लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है, फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता और हल्की सी बेस वाली फील भी आती है, तो स्पीकर की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। और फाइनली S सीरीज में अब S पेन आ गया है विद फुल सपोर्ट, क्योंकि सैमसंग ने नोट सीरीज को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये S पेन काफी क्रिएटिव काम में यूज होता है और इसे काफी इंप्रूव किया गया है विद जस्ट 2.8 मिलीसेकंड्स लैग। इसमें हैंडराइटिंग टू टेक्स्ट फीचर को भी इंप्रूव किया गया है और ये अब 88 लैंग्वेजेस तक सपोर्ट करता है। बाकी आपको एयर एक्शंस दिए हैं जैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, रिसेंट टैब या होम स्क्रीन पर जाने के लिए, या फिर इसे आप कैमरा के फंक्शन यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये नोट टेकिंग और कंटेंट कॉपी पेस्ट के लिए भी काफी काम आता है। ये एक 5G फोन है और इसमें काफी सारे 5G बैंड्स, मतलब 15 से ऊपर 5G बैंड्स मिलते हैं, तो फ्यूचर में 5G आने के बाद इस पर आपको काफी अच्छा नेटवर्क कवरेज और स्पीड मिलेगा। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। ये काफी जबरदस्त फोन है क्योंकि इसका कैमरा और गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और बैटरी बैकअप डिसेंट है, बस इसमें काफी हीटिंग इशू है। बट अगर आप एंड्रॉइड की दुनिया में फिलहाल कोई बेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो S22 अल्ट्रा से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।